वो तो बावड़ा हो रहा है उसने ये नहीं पता आज तक राजनीति करने लग रहे है बिल्कुल झूठा आदमी है मकार आदमी उसने बात प, प, बात करने का पता भी नहीं है क्या बात है है रिश्तेदारी एक अलग चीज़ होती राजनीति अलग चीज होती है जी ने ऐसा क्या मजबूरी पड़ी बस जिला प्रधान बीजेपी का कांग्रेस का आदमी ले गया अरे बात सी एम साहब को भी बोलूंगा मैं भाई कैंडिडेट कहा से लिया पूछो इसको वो ये कह रहा है तू बीजेपी में आ जा कुलदीप रंधावा को उसमें बुद्धि नहीं है भगवान ने बुद्धि नहीं दी उनको आप बड़ा तीखे शब्दों का यूज कर रहे हैं ये कह रहे हैं विधायक जी बैठे हैं जींद में मीठा जी डिप्टी सारे ये कौन सा है कहा राजा बोझ कहाँ गंगू तेली वो राजे हैं वो पिछली बार एक सौ तीस करोड़ रूपए लगे हैं अब की बार भी मैंने विधानसभा मुद्दा उठा था सीएम साहब को भी बोला था डिप्टी अभी भी चालीस करोड़ रूपए डिप्टी सी अभी अभी दिए हैं पीडब्ल्यूडी में जो पैसा तीन साल में आया है वो ढाई सौ करोड़ रूपए आया है देखा शामलो में कल प्रोग्राम था लोग कितने थे वहाँ पर मालवी में वहाँ प्रोग्राम था कितना पूरा हल्के प्रोग्राम थे आज जुलाना गदगद गद हो रहा है भाई किसान को फसल होने लगी अभी जुलाना हल्के के लिए और क्या प्रोजेक्ट है आपके पास हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले जींद की सियासत आजकल पूरी गरम है पूरे हरियाणा में बेशक शीतलहर चल रही है लेकिन जींद का सियासी पारा उफान पर है पिछले तीन दिन दुष्यंत चौटाला जींद जिले में रहे उचाणा में जुलाना हल्के में रहे और दूसरा बड़ा मामला है जिला परिषद के चेयरमैन में जे जे पी ने बीजेपी को जिस तरह से हेरा था हर आदमी की जुबान पर यही दोनों मुद्दे हैं कि जींद में बीजेपी जे जे पी में राजनीतिक जंग इतनी क्यों खींच गई है मेरे साथ हैं जुलाना के विधायक अमरजीत डांडा उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जो बीजेपी के जिला प्रधान राजू मोर ने उन पर आरोप लगाए हैं कि वो एकजुट होने की बात थी लेकिन एकजुट नहीं हो पाए और जो दुष्यंत चौटाला का जुलाना हल्के का दौरा था उस दौरे के बारे में बात करेंगे विधायक जी नमस्कार नमस्ते सबसे पहले तो ये बताओ अभी जो तीन दिन डिप्टी सीएम जिन जिले में रहे हैं और जुलाना हल्के में भी बड़ी जनसभाएं हुई मालवी में सामडो में किस तरह दौरा था क्या जुलाना हल्के को सुगात दी है जुलाना डिप्टी सी साहब ने और सीएम साहब ने खूब काम करे हैं फल्ड पिछली बार आपने देखा और जुलाना तो पहले सुनते आए भी फल्ड एक ऐसा अब बना हुआ है जहाँ पर किसान बर्बाद हो गया था तो गठबंधन सरकार ने डिप्टी सी साहब ने ऐसा प्रोग्राम ने पाइपलाइन बिछवाई ऐसे पंप लगवाए आज जुलाना गदगद हो रहा है भाई किसान को फसल होने लगी और गाँव में जैसे सड़कें थी ऐसी जैसे कल और भी सड़क की घोषणा करके गए हैं जो अधूरी पड़ी है पिछली बार एक सौ तीस करोड़ रुपए लगे हैं अब की बार भी मैं विधानसभा मुद्दा उठा था, था। सीएम साहब को भी बोला था डिप्टी सीएम साहब बोला था साठ पैंसठ करोड़ एस्टिमेट आए हुए हैं जी एजेंडा बना रखे है अब उन्नीस तारीख की मीटिंग है एजेंडा अजेंडा तो मैं तो उम्मीद करता हूँ सीएम साहब से डिप्टी सीएम साहब से वो सारी पूरी हो जाएंगी ये आपने जो एक सौ तीस करोड़ रुपए खर्च किए हैं ये पाइपों के जरिए नहरों हाँ ये पाइप नहरों पानी गया इसका सारा राज देखा सामलो में कल प्रोग्राम था लोग कितने थे वहाँ पर मालवीय में वहाँ प्रोग्राम था कितना पूरा हल्के प्रोग्राम थे तो उन्होंने बोला है भाई हमने चाय भी बुलाया था गाँव वाले ने ऐसा प्रोग्राम कर दिया पूरा जलसा ही कर दिया पूरा जोर जोर जो से आपने देखा भी और पूरा धन्यवाद कर उन्होंने जि हमारे काम करे हैं विधायक जी ने करे हैं और गठबंधन सरकार ने पूरा हिम्मत दिखाई है जुलाने के लिए जुलाना को जैसे मांग थी पुरानी सब डिजन बनाने की मांग थी वो भी गठबंधन सरकार ने वही पूरी कर दी थी क्योंकि डिप्टी सीएम साहब दो में आए थे घोषणा करके गए थे फरवरी में भाई जुलाना को सब डिजा दर्जा दिया जाएगा तो सरकार वो भी मांग पूरी करती दी अभी जुलाना हलके के लिए और क्या प्रोजेक्ट है आपके पास उन्होंने कहा है जो सप्त है दो जो एक तो जुलाना इंटर रोड है क्यों अपने आज जीन जिंजला चारों तरफ से देख लो आठ है चार रोड जुड़ गए हैं 152 डी और 352 जो जुलाना के विधानसभा में गए हैं जो पुराने रोड थे वो मिट्टी ढलने से वो उनकी हालात खराब हो चुकी है तो डिप्टी सीएम साहब ने इसको जल्द ही छः महीने के अंदर जितने भी रोड टूटे हुए हैं जो पुराने इनको नया बनवाना काम करेंगे जो नई सड़कें हैं जैसे वैरोखेड़ से डेघाना है ये भी एक निरयानी से बरोड़ी जाता है एक माड़ी से पुठी जाता है एक मेरे गांव खड़क्राम से निडयानी रोड बढ़ जाता है और भी बहुत ऐसे रोड हैं जो अधूरे पड़े हैं गाँव टू गाँव जाते हैं तो कुछ तो पच्चीस तीस रोड तो बना दिए हैं पर अभी भी चालीस करोड़ डिप्टी सेशन अभी अभी दिए हैं पीडब्ल्यू में जो पैसा तीन साल में आया है वो ढाई सौ करोड़ रुपये आया है जी और चालीस करोड़ अभी नया दिया है पच्चीस करोड़ दिए हैं अलग से पंद्रह करोड़ रुपये और दिए हैं जैसे लिजवाड़ा से निडाना जाता है बैर उसे अकालगढ़ बूढ़ा खेड़ा से अकालगढ़ जाता है तो रोड भी दिए हैं एक जुलान इंटर की बात भी चल रही है वो भी जल्दी पास हो जाएगी अच्छा युवाओं के लिए ए, एजुकेशन के लिए कुछ स्कूल अपग्रेडेशन या गतोली में कॉलेज की बात कर गतोली रहे में कॉलेज है कॉलेज उसमें एक प्रिया थोड़ी अर्चना हुई है अजुलाड़ा में कॉलेज और की दूरी में 25 किलोमीटर अंतर है जो जुलाड़ा से गतोली 9 किलोमीटर दूर है उसमें कह रहे हैं मैंने उसमें मांग करी है जी वो लड़के लड़कियां का ज्वाइंट कॉलेज है हम तो लड़कियों का कॉलेज अलग से मांग रहे हैं तो डिप्टी सी साहब का नया बजट सेशन से आएगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको दुलाने में गतोली गाँव में लड़किया कॉलेज दिया जाएगा जी ठीक है अच्छा ये तो बात हो गई इसकी अब एक बात करते हैं जिला परिषद की जिला परिषद का जो चुनाव हुआ था और जे जे पी ने बीजेपी को हराया उसके बाद जो बीजेपी के जिला प्रधान है राजू मोर ने आरोप लगाया कि बहुत बड़ा लेन देन हुआ है डिप्टी सीएम पर भी आरोप लगाए हैं कि वो बड़ा लेन देन करके गए हैं या चौबीस घंटे यहाँ रुके थे वो तो बावड़ा होया फिर है, है उसने ये नहीं पता आज तक राजनीति करने लग रहे हैं और जब उसकी ये पता भी तो जेजे पी का बीजेपी गठबंधन है मजबूती साथ चलने लग रहा है डिप्टी सीएम साहब है हमारा गठबंधन नहीं टूटेगा सीएम साहब भी करेगा गठबंधन हमारा मजबूती चल रहे है चलाएंगे आगे भी चलाएंगे नहीं। नहीं। उसने ये नहीं उसने बावड़ो ने ये नहीं पता है वो अपने आप में जिला अध्यक्ष की कुर्सी ले बैठे है बीजेपी के नाम से और अब क्या थोड़ा चुनाव हुआ था नायब सैनी भी वहीं थे ईश्वर सिंह में थे मैं भी गया था दिग्विजय भी थे सभी ने बैठ के उनके कार्यकर्ता भी थे बीजेपी सभी ने बैठ के बात होगी भाई आपस में एक को वाइस चेयरमैन ने दे दी एक को चेयरमैन ने दे दी जे जेपी का चेयरमैन बन गया हम का वाइस चेयरमैन बन गया बैठ के ऐसे चलते हैं गठबंधन जो ये जींद बैठे हैं जो जिला प्रधान बना रखे बीजेपी ने इसको जल्द से बर्खास्त करना चाहिए उसको ये नहीं पता भाई तने कैंडिडेट मनाया है वो कौन सी पार्टी का है वो बोला कोई सबूत नहीं है मैंने आपके पास भेजे हैं, किरण चौधरी साथ भी सबूत है वो कांग्रेस था हाँ कांग्रेस का फोटो दिखाऊंगा अभी अभी फोटो मेरे पास है वो सबूत है लोगों के लिए उषण बावे ने ये नहीं पता है ये लायक नहीं जिला प्रधान गए ये तो आपस में लै मेरी तो लड़ाई डिप्टी सी एम ये कौन सा है डिप्टी कहाँ राजा बोझ कहाँ गंगू तेली वो राजे हैं वो सरकार में डिप्टी सी एम है मनोलॉलोजी सी एम है मजबूती संगठन चला रहे हैं विधायक भी सारे इकट्ठे बैठते हैं इसका कौन सा अधिकार है क्या है ये आप में जिला प्रधान है मिल जिलकुल चलना चाहिए संगठन जिम्मेवारी मिली हुई है अच्छा, राजू मोहर ने यह भी कहा कि उन्होंने पहल की थी वो जेजेपी के नेताओं से मिले थे लेकिन उसके बावजूद भी जेजेपी के नेताओं ने एक मत नहीं मैं एक विधायक के नाते से आपको कर्मपाल ये बात बता रहे हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा राजू मोर के पास पहले मैं गया था उसके फार्म हाउस लुधाना में दूसरी बार मैंने उसको बुलाया था या वो आया था तीन दिन बाद वो ये कह रहे मैं तीन बार गया तीन बार गया उसके पास बिल्कुल झूठा आदमी है मकार आदमी उसने बात प, बात करने का पता भी नहीं है भाई क्या बात है अपने रिश्तेदारी एक अलग चीज होती है राजनीति अलग चीज होती है वो तो रिश्ते लायक नहीं किसी काम के भी वो सब मुसीम साहब ने तुरंत बर्खास्त करना चाहिए एक अच्छे आदमी बनाना चाहिए जो गठबंधन साझे से चला चुके कृष्ण कृष्णाठ्य जिला प्रधान हो जेजेपी का सभी का आपस में ज्वाइंट करा रहता है कोई उसके बारे में इसको छोटे कोई बता दे कोई बीजेपी का आदमी ये बता दे रहा कृष्णाठ्य में ये कमी है ये उससे अलग से काम करे तो आप लोगों की क्या बात हुई थी राजू मोर से फिर जैसे आप मैंने कहा था मैंने मेरे पास ऊपर मान का फोन आया था भी अब बीजेपी वाले साथ गठबंधन अपना अपना चेयरमैन वाइस चेयरमैन मिलकर बैठ के बैठ के बनाओ बस किसको किसना किसके पास कितने वो हैं जे जे पास कितने बीजेपी पास कितने हैं तो उन्होंने कहा था फिर मैंने यहाँ जो अपने कुलदीप ने दावा है उसकी मिसिज मनी है

और जो सारे संगठन के बड़े नेता सारे लोग थे थे मौजूद पर उससे बड़े नेता विधायक भी होते हैं जो पहले पहले जिला अध्यक्ष था उसको भी बुलाना चाहिए क्या विधायक मिंडल के साथ भी बहुत बातचीत हुई थी मेरी कोई बात नहीं हुई हम बैठ के बात एक रूम में बैठे थे चुनाव चल रहे शांतिपुर चुनाव चल रहे शांतिपुर चुनाव हुआ है आपस में सभी बधाई दिए गए हैं विधायक जी से बात कर लेना वहाँ पर कर्मवीर सैनी भी था साहब खुशहाल में तालमेल कर गए थे सर सारा काम बिगाड़ा अपना जे जे इसका बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष है ना ये लायक नहीं किसी पद के राजनीति पद के लायक नहीं है आज बीजेपी इतनी कमजोर थोड़ा है जी इलेक्शन लड़ा था मेरे साथ रही इतनी वोट आएंगे इसके

उसको जो बीजेपी का कैंडिडेट बनाया था था राजू मोर ने उससे पहले ये वो कह रहा मेरे पास कोई कोई लिखित रूप में दिखा दे कोई फोटो दिखा दो कांग्रेस का आदमी है मैंने आपको फोटो भी दिखा दिए हैं और मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा अब आपके मेरे पास फोटो रखे हुए हैं भाई किसका आदमी है क्या इसको इतना पता नहीं है भाई तू किसका किस आदमी को तू अपना उसमें कांग्रेस को और बीजेपी में लाने लग रहा है तू जो पहले बोले बीजेपी का था वो कांग्रेस का आदमी है अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे मोबाइल में आप स्क्रीन पर वो फोटो देख सकेंगे हा, हाँ स्क्रीन में फोटो दिखाऊंगा भाई ये कर्ण सिंह है वह का आदमी है उसको ये नहीं पता है भाई आदमी किसका है ये ये देखो जी आप जी बिल्कुल ये रणदीप सुरजेवाला रणदीप सुरजेवाला हैं एक ये देखो आप ये दिखाऊंगा

सोचा गठबंधन बिगड़ जब उसको का, काम ये है उसका और कोई काम नहीं उसके पास है। और उन्होंने एक और बात कही बीजेपी ये ना सोचे कि बीजेपी के बगैर वो जिला परिषद में काम कर लेगी ऐसे है वो तो वो उसको क्या पता है वो कैंडिडेट तो कांग्रेस का ले रहे हैं वो इस बात के लायक नहीं है सीएम साहब डिप्टी सीएम जो आदेश देंगे वो के लिए जो कोई एमएलए हो या कोई जिला प्रधान हो या कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो ये या मिलके विधायक जी बैठे हैं जींद में मीडा जी वो मेरे साथ रहे काम मिलके जुलकर कोई के आपस में काम मिलजुल के, के बात कर लेते हैं क्या इस जेजेपी की जीत के बाद आप लोगों की मुख्यमंत्री से बात हुई है बीजेपी के बड़े नेताओं से संगठन से मेरी इससे बात हुई थी उससे बात हुई थी हम आपस में हरोज मिलते रहते हैं, जो मिलते हैं अच्छा लगाओ है, अच्छा मारा में प्यार है मेरा कोई मना नहीं करे आज तक भी ना मेरा हम, कोई डिप्टी सी गठबंधन पर कोई असर नहीं आएगा कोई गठबंधन कोई असर नहीं आप कैथलम देखो कैथलम गठबंधन था दोनों जिला अध्यक्ष थे मजबूती से काम और बैठ के बात कर ली सारी जी सारी सारी बात बैठ का ने देखे है सारी बात तो जी ने ऐसा क्या मजबूरी पड़ी बस जिला प्रधान बीजेपी का कांग्रेस का आदमी लेके आया क्या जेजेपी और बीजेपी कोई कैंडिडेट नहीं दा तो ऐसे ऐसे लोग हैं सीएम साहब ने तुरंत फैसला लेना चाहिए ये और किसी आरोप लगा रहे हैं योर की सारूप लगा रहे हैं कोई कर अलग होता है टारगेट कोई जिला प्रधान जिम्मेवारी दे दी सीएम साहब निभा अच्छी तरह निभा कृष्णनाठी में निभाने लग रहा है कितने अच्छे ऐसा स्वभाव आपने देखा होगा इसका को स्वभाव है भाई गठबंधन चल रहा सरकार है हमारी गठबंधन सरकार है तो उसको ये नहीं पता भाई हम कैंडिडेट कांग्रेस का लेके जाएंगे से खत्म हो चुकी है आपने पता है कहीं उसका कोई चेयरमैन कोई नहीं बने उसका कोई कैंडिडेट जिला है जी बताओ अरे को। हाँ, दिपेंद्र कोई बन भी गया तो जैसे कन्ना बटोदी बन गया पार्षद ये तो आपस में भाईचारा इलेक्शन था अरे फिर अध्यक्ष ने ऐसा काम कर दिया उसको कैंडिडेट बना दिया बीजेपी का हमारे पच्चीस पार्षद थे सारे अपने थे ए, एक दो को छोड़ गए दो चार को छोड़ सारे अपने थे ये बिल्कुल, और बिल्कुल। सारी इकट्ठी वोट डालें फिर ऐसे ऐसे उसमें बुद्धि नहीं है भगवान ने बुद्धि नहीं दी उसमें आप बड़ा तीखे शब्दों का यूज कर रहे हैं देखिए मैं नह रहा हूँ मैं गठबंधन का एम एल ए हूँ मैं जेजी और बीजेपी गठबंधन है जी। जो उसमें मैं चार दिन पहले देख रहा था उसका ले जाने बात करने का कैसे बात करते है

इसने घर बिगाड़ा है और बिगाड़ा मैं तो यही कहता हूँ आपके हमारे सीएम साहब ने जो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और अच्छे आदमी को जो तालमेल अच्छा कर सके मैं विधायक के साथ जिला अध्यक्ष के साथ दूसरे अपने जे जेपी जिलाध्यक्ष इसको तो भगवान ने रान चलो कार्यकर्ता था बीजेपी का जिला अध्यक्ष जिम्मेवारी इसको जिला जिलाध्यक्ष जिम्मेवारी निभानी चाहिए कैसे निभाते हैं उसको इसमें सुन में बदलाव ले चाहिए चलो हमारी शुभकामनाएं है कि रिश्तेदारी आप लोगों की बनी रहे भाईचारा बना रहे राजनीति अलग रा, रहे क्रांति अलग है भाईचारा इकट्ठा बनाना चाहिए और भाईचारा सबसे मजबूत होता है रिश्तेदारी बगैर तो किसी का काम नहीं चलता बिल्कुल इसमें अकल कौन होगी इसमें रिश्तेदारी हो अकल नहीं दी होगी इसको और आपको मिलने का दे, दे रही उसको ये बता दे उसने ये बोला था भाई कोई केलू बताओ कन्ना बडोदी किसका है तो मैंने आपको फोटो भी दिखा दी आपके माध्यम से ये उसको दिखा भी दे भी कन्ना बटोदी किसका है अरे ये बात सीएम साहब को भी बोलूंगा मैं भाई कैंडिडेट कहाँ से लिया था पूछो इसको चारों तरफ से गठबंधन मजबूती से चल रहा है सरब जीन जिले में क्या बीमारी है ऐसे ऐसे जिलाध्यक्ष बना दिए सीएम साहब ने पता नहीं सीएम साहब ने खुद सोचना चाहिए जो अच्छा मजबूती से गठबंधन चलावे दोनों को फायदा हुआ है उसको जिम्मेवारी देनी चाहिए मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सीएम साहब धन्यवाद विधायक जी थैंक यू जी ये थे हमारे साथ जुलाणा के विधायक अमरजीत ढांडा जी और बहुत ही तीखे शब्दों का प्रयोग उन्होंने बीजेपी जिला प्रधान राजमोर्ग के प्रति किया है आप लोगों की क्या प्रत्याय रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं आपका दोस्त करमपाल धन्यवाद